एक परिवार सीएम अखिलेश यादव से मदद की गुहार लगा रहा है। मदर अपने बेटे के इलाज के लिए, जिसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और बच्चे की जान बचाने के लिए ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई रास्ता नहीं। आंसू बहाता यह हापुड़ के थाना बाबूगढ़ का एक लाचार परिवार है। लाचार इसलिए क्योंकि इस परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है। घर के मुखिया सिलिप्टिस्क से पीड़ित हैं, जबकि बड़े बेटे की मामूली बुखार के बाद दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। नौवीं क्लास का ये छात्र मासूम सीएम साहब से मदद की गुहार लगा रहा है। मेरी दोनों किडनियां खराब हैं और मेरे पापा जी की भी है दूसरी पर, तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे श्री माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की वो हमारी कुछ मदद कर सके घर की आर्थिक स्थिति को देखकर। घर में 2 जून की रोटी के लाले पड़े हैं और घर के 2 सदस्य बीमार। गरीबी से आज ही जाए योगेश के पिता सुनील को सिवाय सरकारी मदद के अपने बेटे की जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। तभी तो वो सीएम अखिलेश यादव से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये 11 मई को इसको बुखार हुआ था, उसके बाद हमने डॉक्टर साहब को दिखाया हापुड़ में, तो उसके बाद इसको 23 तारीख को फिर दर्द हुआ, तो इसके जो है डॉक्टर साहब ने बताया कि दोनों इसकी जो है किडनी बेकार हो गई, डैमेज हो गई है, खराब हो गई है। तो इसके बाद जो है हमने कई जगह दिखा, भगवती में भी, मतलब मेरठ जेल चुंगी पे प्रदीप का है मेरठ किडनी सेंटर के नाम से, तो हमने जो फिर वहाँ पे जो फिर हमने जो इनको दिखवाया, वहाँ उन्होंने कह दिया कि दोनों डिसलिपेंट थे। अब मेरी इतनी स्थिति खराब है साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश से हाथ जोड़ के कि मेरे बच्चे की किडनी डल जाए, सब ट्रांसप्लांट बताते हैं कि ट्रांसप्लांट होएगा, लेकिन मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि जो मैं इसका ट्रांसप्लांट करा सकूं। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले कि रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। उम्मीद करते हैं कि इस परिवार की मदद के लिए लगाई गई गुहार जरूर मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचेगी और वो इनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाएंगे। सतीश चौधरी, हापुड़, नेशनल वॉइस।